महाकालेश्वर गर्भगृह में दर्शन की रसीद को लेकर दर्शनार्थी परेशान हो रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक ने व्यवस्था सुचारू करने को कहा है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा दर्शन को लेकर सुचारू व्यवस्था की गई है। उसी में गर्भगृह में दर्शन करने के लिए 1500 रुपए की रसीद कटवाई जाती है। आज जब दर्शनार्थी रसीद काउंटर पर रसीद कटवाने पहुंचे तो काउंटर पर आज का कोटा खत्म होने की बात की गई। इसको लेकर दर्शनार्थी परेशान होते रहे। दर्शनार्थियों का कहना था कि मंदिर समिति द्वारा आम दर्शनार्थियों के लिए गर्भगृह में दर्शन करने का कोटा सीमित कर दिया गया है और पंडित पुजारियों के लिए रसी का कोटा असीमित कर दिया गया है। ऐसे में आम दर्शनार्थी परेशान हो रहे हैं। इस विषय को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने मंदिर प्रशासन संदीप सोनी से चर्चा की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आम दर्शनार्थियों के लिए जो पूर्व में संख्या निर्धारित की गई थी उतनी ही है, बस उसमें बैरिकेड से दर्शन करने वाले आम दर्शनार्थियों की सुविधा को देखते हुए संख्या को 3 अलग अलग समय में कर दिया गया है ताकि एक ही समय में गर्भगृह में ज्यादा लोग एकत्रित ना हो। गणेश मंडपम व कार्तिक मंडपम से दर्शन करने वाले दर्शनार्थी को महाकालेश्वर महाराज के दर्शन सुगमता से हो और पंडित पुजारियों के लिए भी जो पूर्व में संख्या निर्धारित है वही रखी गई है, उसमें भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है। आने वाले समय में रसीद काउंटर पर भीड़ एकत्रित ना हो उसको लेकर बैरिकेटिंग कर कतारबंद तरीके से रसीद की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पूर्व में निर्धारित व्यवस्था को अपडेट किया जा रहा है और रसीद पर दर्शनार्थियों की फोटो खींचकर लगाने की, रसीद बनवाते समय आईडी कार्ड लगाने की व्यवस्था वाले समय में की जाएगी ताकि किसी भी दर्शनार्थी को दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो। अब बोल, हम यहाँ पर लाइन में सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं है कूपन वगैरह। बाकी लाइन से पिछली बार भी लिया हुआ है हमारे, हमको बड़ी दूर से आते हैं हम लोग। क्या दिक्कत आ रही है? जो पास नहीं है अंदर जाने का, जो पास मिलता है ना 1500 रुपए वाला। आप कितनी देर से परेशान हो रहे हैं? 2 घंटे हो गए हमने करीब, उस खिड़की पर भी गए तो भी कोई जवाब नहीं मिला, यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं मिला। बाकी है तो इसका कम से कम देने का फर्ज है, बड़ी दूर से लोग आते हैं, हजारों यात्री आते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए पास, दर्शन कर ले बाबा और क्या। हम आते ही चक्कर में, बाकी तो क्या काम है हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? अभिराज। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान। हाँ सर, मेरा नाम जय त्रिपाठी है सर, हम लोग यूपी गोरखपुर से आए हुए हैं। कल से सर हम लोग परेशान हैं यहाँ पे टिकट के लिए, जनाभिषेक के टिकट के लिए, लेकिन अभी तक सर सुबह से कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, टिकट भी कम मिल रही है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 1 घंटे में 50 टिकट मिलेगी, 50-50 करके दे रहे हैं, जबकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था सर। उस टाइम व्यवस्था चल रही थी, सब लोग जलाभिषेक कर रहे थे, सारी चीज़ें रूटीन में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आज हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे खड़े हैं सर, लेकिन ये बोल रहे इस काउंटर जाओ उस काउंटर जाओ, सर कोई सुनने वाला नहीं। अभी साहब आए थे, उन्होंने बोला मैं कुछ करता हूँ, उन्होंने आज मामला सामने आया था कि 1500 की रसीद को लेकर कुछ भ्रांतियाँ फैली थी, उसको लेकर क्या कदम उठाया जाए? नहीं, इसमें भ्रांतियों जैसा कुछ भी नहीं, जो व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है ठीक वैसे ही चल रही है। अभी चूंकि विगत दिनों में महाकाल लोक के लोकार्पण के पश्चात बाबा महाकाल की कृपा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, और ज़्यादातर श्रद्धालु चाहते हैं कि वो गर्भगृह में जाके बाबा महाकाल पर जल का अभिषेक करें या वहाँ पर जाके पूजा करें। तो जैसे पूर्व से डिसाइडेड एक समय है, उस समय में हम लोग, हमारा जो काउंटर है वहाँ से 1500 रुपये की एक रिसीट कटती है और उसके बाद सभा मंडप में लाइन लगा के उनकी चेकिंग के पश्चात वो गर्भगृह में दर्शन करते हैं। क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो बहुत से भक्त गणेश मंडपम और बहुत भीड़ हो जाती है तो कार्तिक मंडपम से दर्शन करते हैं। इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस टाइम पर गर्भगृह में लोग आ रहे हैं, गर्भगृह में बहुत ज़्यादा भीड़ ना आ रहा है, जिससे कि लोगों को दर्शन भी अच्छे से हो, जो भक्त अंदर आ रहे हैं वो भी परेशान ना हो और जो बाहर से दर्शन कर रहे हैं वो भी व्यवस्थित रूप से हों। तो इसी के अंतर्गत जो एक फिक्स नंबर पहले से फिक्स है। यहाँ थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगला अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।